Welcome, my dear friends. Welcome to your favorite channel, Bodhi Tree. Today we are going to solve the section C of paper number 1 of social science of Raj assignment. तो मैं आप लोगों को रज असाइनमेंट रिकमेंड करूंगा क्योंकि इसमें सॉल्यूशन भी आता है, तो आप अपने आप इसकी तैयारी कर सकते हो. इसके सारे सेक्शन के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो में अपलोड करने वाला हूं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव इंफॉर्मेशन अबाउट धोलावीरा. धोलावीरा के बारे में हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है. तो धोलावीरा सिविलाइजेशन हैज बीन एक्सेवेटेड फ्रॉम बचाऊ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कच्छ रीजन. ये चीज आपको याद रखना. इसका लोकेशन कहाँ है? तो इट इज इन बचाऊ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कच्छ रीजन. इट इज फाउंड इन ग्रेट रण ऑफ कच्छ एट खदीर बेट, 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम धोलावीरा अ विलेज. ये खदीर बेट में है. इट इज अ वेरी सिस्टमेटिक एंड एंशियंट टाउन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो ये जो हमारा धोलावीरा है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक पार्ट है. तो इसमें आपको जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डिनोट करनी है कि ये कहाँ पे है. तो इट इज़ इन बचाऊ डिस्ट्रिक्ट इन कच्छ, और कहाँ पे? खदीर बेट, जो तहसील है, जो तालुका है खदीर बेट, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. धोलावीरा इज 140 किलोमीटर्स फ्रॉम भुज, द कैपिटल टाउन ऑफ कच्छ. ये भुज से 140 किलोमीटर दूर है. द आर्क्योलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात हैड सर्वेड दिस माउंड एंड देयर आफ्टर द आर्क्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑफिसर टू अंडर टूक सर्वे हियर. तो इसका जो एग्जीबिशन था वो किसने किया था? आर्क्योलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात इन 1919. ये टाइम लाइन आपको याद रखनी, 1919 इन अंडर द गाइडेंस ऑफ रविंद्र सिंह बिस्ट. ये जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो चीज़ आपको लिख लेनी है. आप वीडियो देख रहे हैं उस समय भी आप लिखते जाइए. तो रविंद्र सिंह बिस्ट के गाइडेंस में 1990 में इसको खोजा गया था. दे डिस्कवर्ड द धोलावीरा फोर्ट पैलेस एंड इट्स मैन वॉल विच वॉज पेंटेड वाइट. ये चीज याद रखना. तो इसका पैलेस, मैन व्हील, मैन वॉल और फोर्ट ये वाइट कलर में थे. तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं कि कौन सा जो सिविलाइजेशन था उसको वाइट पेंट किया गया था. तो यू हैव टू राइट इट, इट इज धोलावीरा. द पैलेस वॉज फोर्टिफाइड एंड वॉज अंडर स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी. दिस वॉल वॉज मेड ऑफ सैंड स्टोन एंड ब्रिक. फोर्टिफाइड, फोर्टिफाइड का मतलब होता है किलाबंदी करना, यानी जो पूरी सिटी थी इसको आजू बाजू से फोर्ट से कवर करके रखा गया था. तो इस वर्ड को आप याद रखो. और ये जो फोर्ट की दीवार जो थी ये अभी के समय की तरह सैंड स्टोन और ब्रिक्स यानी ईंट से बनी हुई थी. देयर वॉज एन अरेंजमेंट ऑफ प्योर वाटर विच इज नॉट अवेलेबल इन मॉडर्न टाइम्स. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. यहाँ पे जैसे ये इट इज इन रण, ये डेजर्ट में, वहां पे पानी अवेलेबल नहीं था. तो उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग किया था. तो यहाँ पे जो पानी जो था उसको हार्वेस्ट करके रखते थे और उसका ऑन टाइम में यूज होता था. दिस इज द स्पेशल फीचर ऑफ धोलावीरा कि ये लोग वाटर कंजर्वेशन करते थे. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्कस द मिडिवल पीरियड आर्किटेक्चरल ग्रोथ. जो मिडिवल पीरियड था उसमें आर्किटेक्चर में क्या ग्रोथ हुई? तो द आर्किटेक्चर ऑफ मोस्क यानी मस्जिद, मीनारेट्स यानी मीनार, रॉयल पैलेस, ब्रिज एंड इन. इनका मतलब होता है सराय, और वी कैन से गेस्ट हाउस, लोज, लोजिंग वी कैन से. तो पुराने समय में जो ट्रैवलर्स थे उनको रेस्ट करने के लिए जो सराय बनाई जाती थी उसको बोलते थे इन. इन मिडिवल पीरियड में ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती है. कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्ट कुतुब मीनार एंड कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद. ये याद रखना, कुव्वत उल इस्लाम. क्वेश्चन में भी आस बाय हुम वॉज कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क बिल्ट. तो इट वॉज बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक. सिमिलर मॉस्क, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, वॉज बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक. ढाई दिन का झोपड़ा, ये भी याद रखना. ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है.
अब ये आपको सोचने वाली बात है, ऐसा बोला जाता है कि ढाई दिन में बनाई गई थी, तो ढाई दिन में कैसे बनाई हो गई होगी, एलियन तो बनाने आए नहीं थे। यानी आपको ये सोचना है कि ये सब मजाक हमारे साथ क्यों किया गया। ओके, अब बात करते हैं बंगाल की। तो अदीना मॉस्क एंड एट पंडुआ रीजन ऑफ बंगाल टूम ऑफ जलालुद्दीन मोहम्मद शाह। टूम का मतलब होता है मकबरा, तो जलालुद्दीन मोहम्मद का शाह का मकबरा एट तंतीपरा मॉस्क वेयर कंस्ट्रक्टेड। दिस रीजन डेवलप इट्स ऑन स्पेशल स्टाइल इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। तो बंगाल में क्या क्या था, तो बंगाल में था अदीना मॉस्क एंड जलालुद्दीन मोहम्मद शाह टूम एंड तंतीपरा मॉस्क। तो ये जो तीन चीजें बताई, इसको आप लिख लो तो आपको ये याद आ जाएगा, तो आप आसानी से उसको लिख सकोगे। जौनपुर, जौनपुर सुल्तान ऑफ तुर्की बिल्ट अटाला मॉस्क। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, बाय हुम वाज अटाला मॉस्क बिल्ट, इट वाज बिल्ट बाय सुल्तान ऑफ तुर्की। देयर इज एन आर्किटेक्टिक ग्रिल अराउंड द डोम, इसका जो डोम है उसके आजू बाजू शानदार ग्रिल बनाई गई है। द वॉल्स एंड सीलिंग्स आर डेकोरेटेड विद मैनी इंडियन डिजाइन इंक्लूडिंग लोटस। अब इस चीज को याद रखना, लोटस, लोटस यानी कमल। कमल जो है इसका सीधा साधा जो मतलब है, इसका लेना देना है हिंदू कल्चर से। अब ये मस्जिद में कमल क्या कर रहा है, ये आपको सोचना है। मालवा, पिक्यूलर स्टाइल ऑफ मांडू बिल्डिंग्स इज सीन अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सुल्तान्स। मैनी सच टूम्स हैव बीन क्रिएटेड ओवर देयर। द ह्यूज एंड इम्प्रेसिव डॉम्स एंड कार्विंग ऑफ बालकनी इन दिस स्ट्रक्चर आर अट्रैक्टिव। टूम्स ऑफ होसांगसा इज कंप्लीटली मेड ऑफ मार्बल इन इंडियन स्टाइल। नेक्स्ट है अदर प्रोविंसेस, दूसरे प्रोविंस में क्या क्या हुआ था मिडिवल पीरियड में। तो बिसाइड दिस द रूलर ऑफ काश्मीर एंड बहमनी बिल्ट डॉम ऑफ बीजापुर। बीजापुर का गोल गुंबद ये याद रखना, ये बहमनी शासकों ने बनाया था। बिल्डिंग्स एट बीदर एंड गुलबर्गनी एंड मदरसा ऑफ मोहम्मद गावा। टेम्पल्स ऑफ हम्पी, विट्ठल स्वामी एंड हजारा राम। गोपुरम्स एंड आर्किटेक्ट पिल्लर्स वेयर वेल नोन आर्ट ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर जो था इट वॉज वेरी प्रॉस्परस, बराबर। इसको दो भाइयों ने बनाया था, उनके नाम थे हरिहर राय एंड बुक्का राय। अब ये जो इनका जो पीरियड था इट वॉज वेरी प्रॉस्परस, जिस तरह सब्जी मंडी में सब्जियां बेची जाती है ना, उस समय उस तरह से ज्वेल्स रत्न बेचे जाते थे। तो इसमें हजारा मंदिर, गोपुरम, गोपुरम जो क्या होता है, जो साउथ इंडिया में जो टेम्पल्स होते हैं उनका जो एंट्रेंस होता है वो काफी शानदार बनाया जाता है, उसको बोलते हैं गोपुरम। और विट्ठल स्वामी मंदिर ये भी विजयनगर साम्राज्य में ही बना था। हम्पी ये कर्नाटका में है, इट इज अ ग्रेट प्लेस। तो ये जो सारा जो कंस्ट्रक्शन था इट वॉज डन ड्यूरिंग द मिडिएवल पीरियड। ओके, और नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव इंफॉर्मेशन अबाउट नालंदा विद्यापीठ। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इट इज इन बड़गांव विलेज ऑफ पटना डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। ये लोकेशन याद रखो, ये ट्रू फॉल्स में भी कई बार पूछते हैं और वन मार्क में भी पूछते कि वेयर इज नालंदा, वेयर वॉज नालंदा यूनिवर्सिटी। तो इट वॉज इन बड़गांव विलेज ऑफ पटना डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। ओके, दिस हैज बिकम अ सेंटर ऑफ जैन्स एज महावीर स्वामी स्पेंट 14 चतुर्मास हियर। ये चीज याद रखना। सो क्वेश्चन इज आस्क्ड वेयर डिड महावीर स्वामी स्पेंट 14 चतुर्मास। चतुर्मास क्या होता है, यहाँ पे जो जैन जो कम्युनिटी है वो लोग फास्टिंग करते हैं, तो उन्होंने 4 मंथ्स तक यहाँ पर उपवास किया था, फास्टिंग किया था, इसलिए इसको बोलते हैं चतुर्मास। कहाँ पे किया था, इन नालंदा यूनिवर्सिटी। देयरफॉर इट हैज अ डबल इंपॉर्टेंस। कुमार गुप्त हैज मेड
Bihar in the 5th century here and thereafter its important increase. Kumar Gupta, he was a king. इन्होंने यहाँ पे एक विहार बनाया था. विहार क्या होता है कि जहाँ पे जो जैन और बौद्ध साधु जहाँ पे आके रुकते हैं, जहाँ पे ध्यान वगैरह करते हैं, दैट प्लेस इज नोन एज विहार. इट हैज अ नंबर ऑफ वैल्यूएबल हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स. द स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम हियर दिस यूनिवर्सिटी वेयर कंसिडर टू बी आइडियल स्टूडेंट्स. जिस तरह आज हम लोग एजुकेशन लेने के लिए अमेरिका, इंग्लैंड, दूसरे देशों में जाते हैं, उस समय इंडिया की वो वैल्यू थी. नालंदा है, तक्षशिला है, यहाँ पे दुनिया भर से जो लोग थे वो एजुकेशन लेने के लिए आते थे. इसमें मैन्युस्क्रिप्ट शब्द को याद रखिए. मैन्युस्क्रिप्ट से यानी पुराने समय में आज की तरह प्रिंटिंग मशीन नहीं थी, तो जो भी बुक्स थी वो हाथ से लिखते थे. तो वो जो ओरिजिनल कॉपी थी उसको रखा गया है, प्रिजर्व करके रखा जाता था, उसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट. नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज एट इट्स पीक बिटवीन 15th to 11th century. इंडिया हैड वास्ट लाइब्रेरीज विच कम्पीट विद द वर्ल्ड लाइब्रेरीज एंड वे कंसिडर टू बी द बेस्ट. अब यहाँ की जो लाइब्रेरी थी ये दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी. 3 मंजिला लाइब्रेरी थी, उनके अलग अलग नाम थे. उसमें एक जो इस गिस्से को बोलते थे धर्मगंज, नाम याद रखना. The library at Nalanda University was known as Dharmganj. Students from all over the world came here to study. The famous Chinese pilgrim Wen Sang also came here, and while going back to China, he carried 657 manuscripts. अब देखो Wen Sang की स्टोरी याद रखो. Wen Sang ये बौद्ध सेंट था और ये बौद्ध रिलीजन को स्टडी करने के लिए इंडिया आना चाहता था. और जब ये इंडिया आना चाह रहा था उस समय चाइना में पड़ गया था अकाल. तो राजा ने बोला कि यू कैन नॉट गो टू इंडिया, क्योंकि भूख से मरने के बहुत से चांसेस थे, लूटा जा सकता था. और चाहे Wen Sang के साथ वही हुआ. जब वो इंडिया में एक जगह ट्रैवल कर रहा था तो उसको कुछ लुटेरों ने पकड़ लिया. फिर जब उसकी बलि दी जाने वाली थी तो जो लुटेरों का जो सरदार था उसने बोला ये एक साधु है, इसको आप इस तरह से मार नहीं सकते. तो Wen Sang को बाद में उस जो लुटेरे थे उन्होंने माफ़ी मांगी और Wen Sang को छोड़ा गया. Wen Sang यहाँ पे रहा और वो उसने इंडियन जो कल्चर था, उसका जो रिलीजन था, उसको बहुत एडमायर किया. वो अपने साथ 657 मैन्युस्क्रिप्ट्स ले गया, बहुत सारे सीड्स ले गया था, बहुत सारे अनाज के जो बीज ले गया था, फल वगैरह के, जिससे कि चाइना में फार्मिंग हो सके. और जब वो वापस जा रहा था तो नदी में बाढ़ आने से उसके कुछ बुक्स और बहुत सारे बीज जो थे वो नदी में बह गए थे, लेकिन बहुत कुछ वो बचा के अपने देश में ले गया था. फिर जब वो आज चाइना में गया तो उससे पहले राजा को इन्फॉर्म किया कि मैं इंडिया से वापस आ रहा हूँ, मैं अपने साथ ये मैन्युस्क्रिप्ट्स ला रहा हूँ, ये सीड्स ला रहा हूँ. तो राजा ने उसकी गलती को माफ़ कर दिया था. तो Wen Sang विजिटेड इन द 7th century. ये चीज़ को भी याद रखो कि कब आया था. ही विजिटेड इन द 7th century. ओके, तो ये इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको खास तैयार करना है. इट इज आस्ट अगेन एंड अगेन. दिस यूनिवर्सिटी हैज 7 large rooms, 300 क्लासरूम्स फॉर टीचिंग एंड स्पेशल हॉस्टल्स फॉर लिविंग फॉर स्टूडेंट्स. इट्स पॉपुलरिटी वॉज एट इट्स पीक बिटवीन 15th to 11th century एज द फाइनेस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग. बट टूडे वी ओनली फाइंड रूम्स. अब ये चीज को याद रखो. तो इसका क्या हुआ कि बख्तियार खिलजी, ये तुर्की का एक सेनापति था, ये बीमार पड़ गया, ये ठीक नहीं हो रहा था. तो इसको वो जो उसके जो डॉक्टर्स थे उन्होंने सलाह दी कि नालंदा यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है, वी कैन से प्रोफेसर, वो आयुर्वेद पढ़ाते थे, उनका नाम था राहुल सीलभद्र. बोले उनके पास जाओ, वो आपका इलाज कर देंगे. तो बख्तियार खिलजी ने कहा कि नहीं, मैं किसी भी कीमत से किसी भी काफिर से इलाज नहीं कराऊंगा. फिर भी राहुल सीलभद्र को बुलाया गया. राहुल सीलभद्र से उसने कहा कि मैं तुम्हारी ताकत को तब मानूंगा जब तुम मुझे बिना किसी दवा के ठीक कर दो.
तो राहुल सुलभद्र ने उससे पूछा कि क्या तुम कुरान पढ़ते हो, तो उसने कहा मैं कुरान पढ़ता हूँ। तो राहुल सुलभद्र ने उसको एक कुरान दी और बोला इसको पढ़ो। तो बख्तियार खिलजी जब पढ़ता था तो पढ़ने को पलटता था, थूक से पन्ना पलटता था, तो धीरे धीरे वो ठीक हो गया। तो क्या कुरान पढ़ने से ठीक हुआ? नहीं, हुआ यूँ था कि जो उसके कुरान के पन्ने थे उस पर राहुल सुलभद्र ने दवा का लेप लगा दिया था, उसकी बदौलत वो ठीक हो गया। अब वो बख्तियार खिलजी कोई भी दूसरा आदमी होता तो क्या करता, राहुल सुलभद्र को धन्यवाद देता। जब वो ठीक हो गया तो इंडिया आया, नालंदा में पहुंचा। नालंदा पहुंचा तो वहाँ के जो साधु वगैरह थे उनको लगा कि ये शायद राहुल सुलभद्र को थैंक यू बोलने के लिए आया है। लेकिन जैसे ही उसने घुसते ही सबसे पहले जो साधु था उसकी गर्दन काट दी, और उसके बाद वहाँ पे लगभग 10,000 स्टूडेंट्स थे, बहुत से साधु थे, उन सबको मार डाला और वहाँ की लाइब्रेरी को जलाया गया। 3 महीने तक बुक्स जो थी जलती रही, सो यू कैन इमेजिन की कितनी वास्ट लाइब्रेरी थी। 3 महीने तक पूरी जो लाइब्रेरी थी जलती रही, दुनिया का बहुत बड़ा खजाना था ज्ञान का, जो इस राक्षस ने नष्ट कर दिया। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग वहाँ के जो साधु वगैरह थे वो सिर्फ शास्त्र पढ़ रहे थे, शस्त्र की उनको ज्ञान नहीं था। तो दुनिया में आपको सर्वाइव करना हो तो शास्त्र के साथ शस्त्र का भी ज्ञान आपको होना चाहिए। और सबसे बड़ी मूर्खता हम लोग की ये है कि वेस्ट बंगाल में ये जाके बाद में वेस्ट बंगाल में रुका था, इसने आने वाले नालंदा के बाद तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी थी उसको भी नष्ट किया था और वेस्ट बंगाल में जाकर के रुका। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि हम जो इंडियन से इतने बड़े मूर्ख हैं कि आज वेस्ट बंगाल में इसके नाम का एक स्टेशन भी है, बख्तियारगंज। सो यू कैन इमेजिन कि हम लोग कितने बड़े मूर्ख हैं। तो दोस्तों इसका ये जो घटना है नालंदा का जो आग जो बर्बाद किया गया उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको मैं आपके साथ लिंक शेयर करूंगा, यू मस्ट वॉच, हिस्ट्री आपको जाननी चाहिए। तो ये थी हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी जिसको राक्षसों ने बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिसोर्ट, व्हाट इज मेंट बाय रिसोर्स, डिस्क्राइब इट्स असेट्स, उसके यूज बताइए, रिसोर्स मतलब क्या और उसके यूज बताइए। तो ह्यूमन नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड पार्शियली और कंप्लीटली थ्रू रिसोर्सेज, हमारी जो भी नीड है वो सब हम हमारी रिसोर्सेज से या तो थोड़ी पूरी होगी या कंप्लीट पूरी होगी। इन अदर वर्ड्स द थिंग्स ऑन विच द मैन इज डिपेंडेंट ह्यूमन नीड्स कैन बी फुलफिल्ड बाय देम एंड मैन हैज द फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू यूटिलाइज देम कैन बी कॉल्ड एज रिसोर्सेज। अब ये डेफिनेशन थोड़ा लेंथी है, इसको अपने ढंग से आप इजी वे में लिखना। सो यू कैन से दैट वी यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। नाउ यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है उसको हम किस तरह से यूज करते हैं। तो रिसोर्सेज का मतलब होता है जो भी हमको नेचर से मिला है, एयर है, फूड है, जंगल है, मिनरल्स है, दीज आर रिसोर्सेज एज फूड। Various food requirements of man are compiled by various resources. Fruits grown naturally, various crops obtained through agriculture, milk and its products, meat obtained through the domestic animals. देखो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। तुमको फूड में जैसे आप वेजिटेरियन हो तो यू नीड फ्रूट्स एंड ग्रेन्स, वी गेट देम थ्रू फार्मिंग, थ्रू एग्रीकल्चर। एंड इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन then you we get meat from the domestic animals and jisko hum palte hain, barabar, aur milk aur milk ke products se wo bhi humko domestic animals se milte hain। fir iske alawa jaise honey hai ye bhi humko natural resources se milta hai। next resources or as a source of raw material, to pehle to aap ye samjhiye raw material matlab kya। रो मटेरियल है ना जिस रिसोर्स में आप चेंज करके उसको यूटिलाइज करने के लायक बनाते हो। तो वेरियस गुड ऑब्टेंड फ्रॉम फॉरेस्ट एग्रो प्रोडक्ट्स, वूल, मीट अवेलेबल फ्रॉम एनिमल, मिनरल ऑर्स एट्रेक्ट्रा फ्रॉम रो आर दी रोल मटेरियल्स फॉर मैनी इंडस्ट्री। जैसे कि आप कॉटन इंडस्ट्री है तो कॉटन के क्लोथ बनाने की इंडस्ट्री, उसके लिए जो कॉटन है किससे मिलता है हमको, एग्रीकल्चर से, बराबर। फिर जैसे वूल के वूलन क्लोथ बनाने उसके लिए आपको वूल किससे मिलेगा, तो फ्रॉम द सीप,
ये भी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है. अलग अलग जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स में से हम उसको उसका यूज करके दूसरी चीजें बनाते हैं, तो इट इज ऑल्सो अ रिसोर्स. तो जो मिनरल का हम यूज कर रहे हैं, इट इज अ रॉ मटीरियल. रिसोर्सेज एज एनर्जी रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिससे हम एनर्जी प्राप्त करते हैं. तो हम क्या आता है उसमें, वी यूज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एटसेट्रा एज फ्यूल इन इंडस्ट्री. कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये हमको फ्यूल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है. बिसाइड्स, एनर्जी कैन बी जनरेटेड थ्रू सोलर इंसोलेशन, विंड, सी वेव्स, टाइड्स एंड वाटरफॉल्स. तो हम जैसे विंड एनर्जी के लिए, विंड मिल हम जो बनाते हैं उसके लिए, विंड जो हमको कहाँ से मिलता है, इट इज फ्रॉम नेचर. जो समुद्र में जो टाइड्स आते हैं उससे भी हम लोग एनर्जी बनाते हैं, इट इज ऑल्सो अ नेचुरल रिसोर्स. यानी हम जो सोलर एनर्जी है उसको अलग अलग ढंग से यूज करते हैं, इट इज, वी ऑल्सो गेट इट फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफाइन सॉइल इरोजन, स्टेट द मेजर्स टू कंट्रोल इट. देखो, सबसे पहले आप लोग अपने इसका डेफिनेशन समझिए, व्हाट इज इरोजन. सॉइल इरोजन मतलब तेज हवा से या पानी के कारण जो डस्ट पार्टिकल्स है वो एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, दैट इज सॉइल इरोजन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो डेफिनेशन, इसका मीनिंग समझना है, इसको क्रैम नहीं करना है, इसको समझना है कि इसका मतलब क्या होता है. सो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू एनदर बाय सम नेचुरल एजेंट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. नेचुरल एजेंट यानी नेचुरल तरीके से, विंड से या वाटर से जो सॉइल के जो पार्टिकल से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं, दैट इज सॉइल इरोजन. द मेजर्स टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इज एज फॉलोस. हमको क्या करना चाहिए, मेक चेक डैम्स, चेक डैम बनाने चाहिए. तो चेक डैम बनाने से क्या होता है कि जो वाटर का जो फ्लो होता है वो धीमा पड़ जाता है, और चेक डैम में हम जो वाटर को कंजर्व करके रखते हैं उसका हम इरीगेशन में यूज कर सकते हैं. तो चेक डैम बनाने से हमको ये बेनिफिट मिलता है. ग्रो ट्रीज ऑन रिवर बैंक्स, द रूट्स ऑफ द ट्रीज होल्ड द सॉइल टूगेदर एंड डू नॉट अलाउ वाटर टू फ्लो अवे एंड डज नॉट अलाउ लैंड टू इरोड. इरोड सबसे बनाए इरोजन. तो हमको जो रिवर बैंक है, नदी के किनारे पेड़ लगाना चाहिए. तो क्या होता है कि जो रूट्स होते हैं ट्रीज के, वो वाटर को जो डस्ट पार्टिकल्स उनको पकड़ के रखते हैं. तो जब भी तेज हवा आएगी या पानी आएगा तो सॉइल इरोजन नहीं होता है. प्रिपेयर शेल्टर बेल्ट इन फार्म लैंड्स एंड अराउंड इट टू कंट्रोल इरोजन. जैसे कि आपका खेत है उसके आजू बाजू आप किनारे पर पेड़ लगा दीजिए, तो उसके कारण भी सॉइल इरोजन रुकता है. रेमेडीज ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, द रूट्स ऑफ द फॉरेस्ट कवर होल्ड अप द सॉइल पार्टिकल. तो जो जैसे हमने क्या किया है, हम जो डीफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, इसके कारण सॉइल इरोजन बहुत हो रहा है. तो हमको पेड़ों को काटने के बदले अधिक से अधिक पेड़ उगाने चाहिए, तो सॉइल इरोजन को हम लोग रोक सकते हैं. प्लांट ट्रीज इन द रिवर गॉर्ज एंड ऑन माउंटेन स्लोप्स. देखो, जो माउंटेन स्लोप होगा, सपोज ये माउंटेन स्लोप है, तो जब पानी बह के आएगा तो ये अपने साथ काफ़ी स्पीड में आएगा और डस्ट पार्टिकल को नीचे ले जाएगा. अब यहाँ पे हमने लगा दिए पेड़, तो पेड़ की जो रूट्स होंगे ये क्या करेंगे, वाटर फ्लो को धीमा कर देंगे, काफ़ी हद तक धीमा कर देंगे, तो सॉइल इरोजन है वो रुक जाता है. ओके, अ सीरीज ऑफ ट्रीज शुड बी ग्रोन नियर अ डेजर्ट रीजन टू प्रिवेंट द विंड्स विद मोर वेलोसिटी. अब देखो, जो डेजर्ट्स हैं दे आर एक्सपांडिंग. क्यों भाई, उनके किनारे से भी हमने पेड़ काट दिए. अब पेड़ लगाते हो तो क्या होता है कि जो डेजर्ट से उसका एक्सपांसन रुक जाता है, वो विंड की जो पावर होती है उसको, जो ट्रीज होते हैं उसकी जो वेलोसिटी होती है विंड की, उसको कम कर देते हैं. द रिवर फ्लड शुड बी कंट्रोल. तो जब नदी में बाढ़ आती है तो नदी आजू बाजू का जो मिट्टी होती है उपजाऊ उसको बहा करके ले जाती है, फिर वो जो आसपास की जो जमीन है वो हो जाती है बंजर यानी कि बैरन. तो इसलिए हमको रिवर फ्लड्स को कंट्रोल करना चाहिए. उसके लिए आप नदी के किनारे पेड़ लगाओ, चेक डैम बनाओ. द
unrestricted pasturing loses the soil layers on the mountains, it should be prevented. पास्चरिंग इसको मतलब समझिए, यानी जो हम पालतू प्राणियों को जो चराते हैं, अब जैसे आपने गाय भैंस को छोड़ दिया जंगल में, तो क्या करेगा, जो छोटे छोटे प्लांट्स उसको खा लेंगे, अब उस प्लांट्स को खा लिया तो प्लांट तो बड़ा होने वाला नहीं है, तो जो जो आपकी सॉइल है वो लूज हो जाती है, फिर पानी के द्वारा या मिट्टी के द्वारा इट गोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो हमको जो पास्चरिंग है उसको कंट्रोल करना चाहिए. मेथड्स लाइक horizontal cultivation, terrace farms, etc. should be implemented. Terrace farm याद रखो, ये पहाड़ों पे इस तरह की खेती होती है, टेरेस जैसा बना देते हैं, स्टेप जैसा होता है, उसके कारण क्या होता है कि पानी धीरे धीरे करके आता है, सॉइल इरोजन काफी हद तक रुक जाता है. ह्यूमन कंटेंट शुड बी एडेड टू सॉइल ह्यूमस सॉरी विच हैज लॉस्ट इट्स फर्टिलिटी. अब जैसे मान लो कोई सॉइल है उसकी फर्टिलिटी कम हो गई है, तो उसमें हमको मैन्योर्स नेचुरल जो खाद है वो डालनी चाहिए, तो इसके कारण क्या होता है कि उसमें जो मिनरल्स हैं वो बने रहते हैं. राइट अबाउट WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश ऑन 1 January 1995 बाय द मेंबर नेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर्स कंट्रीज थे उन्होंने 1 January 1995 को WTO को एस्टेब्लिश किया. तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ट्रेड को ऊपर वॉच रखता है. इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन जिनीवा इन स्विट्जरलैंड. जिस चीज को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जब भी आप आंसर लिखो तो जब आप ये डेट वगैरह मेंशन करते हो तो इसको अंडरलाइन कर दो, तो इससे योर आंसर बिकम्स इंप्रेसिव. ओके, नाउ उसके ऑब्जेक्टिव्स यानी उसके पर्पज क्या है. टू रिमूव ऑब्स्टेकल इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल ट्रेडिंग. जब देखो ग्लोबल ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि जब दो कंट्रीज के बीच में, अलग अलग कंट्रीज के बीच में जो बिजनेस होता है या ट्रेड होता है, दैट इज ग्लोबल ट्रेडिंग और इंटरनेशनल ट्रेडिंग. तो इंटरनेशनल ट्रेडिंग में, ग्लोबल ट्रेडिंग में अगर कोई इश्यू है, कोई ऑब्स्टेकल है, तो उसको ये दूर करता है. टू रिमूव प्रोटेक्शन पॉलिसी गिवन टू इंडस्ट्री ऑफ कंट्री फॉर फॉरेन ट्रेड. अब इस चीज को समझो, पहले क्या होता था, जस्ट लाइक चाइना जैसे देश में, इंडिया में भी हुआ है कि हम लोग बाहर की जो कंपनी थी, फॉरेन कंट्रीज थी, उनको अलाउ नहीं करते थे, जिससे कि क्या होगा कि हमारी जो मोनोपोली है वो बनी रहे. लेकिन जब WTO आया तो WTO ने क्या किया, फेयर मार्केट बनाया कि भाई आप दूसरे देश में भी जाकर के बिजनेस कर सकते हो. जैसे चाइना का जो प्रोडक्ट्स है बहुत ही सस्ता होता है, हम सभी जानते हैं, बट वी कैन नॉट स्टॉप इट. WTO के हिसाब से चाइना आपके देश में बिजनेस कर सकता है और आप चाइना में बिजनेस कर सकते हो. तो ये जो ऑब्स्टेकल था इसको दूर किसने किया, WTO ने. टू कोऑर्डिनेट विद ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी. ये जो WTO है इसने कुछ पॉलिसीज बनाई है और वो हर देश को फॉलो करनी पड़ती है जो इसके मेंबर हो. टू सॉल्व द ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट अराइजिंग इन द वर्ल्ड. कोई दो कंट्री के बीच में अगर ट्रेड को लेकर के कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको सॉल्व कौन करता है, WTO. फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है, टू सेट अप अ रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर of implementation of agreement related to multinational trade and agreement related to it. तो इस ये जो WTO ने कुछ लॉस बनाए हैं जिसको सबको मानना है और वो लॉस को इम्प्लीमेंट कराने का काम कौन करता है, WTO. इम्प्लीमेंट कराना यानी सबको उसको फॉलो करना ही पड़ता है. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्लेस अ वाइटल रोल फॉर डिबेट एंड नेगोशिएशन फॉर मल्टीनेशनल ट्रेड. मल्टीनेशनल ट्रेड में कोई डिबेट या नेगोशिएशन के लिए प्लेटफॉर्म पहला प्रोवाइड करता है. WTO एनकरेज अनबायर्स इंटरनेशनल ट्रेड. डिफरेंट नेशंस फॉलो देयर ओन नेशनल पॉलिसी, इट ऑब्जर्व देम एंड इट सजेस्ट रिक्वायर्ड इंप्रूवमेंट. अलग अलग देश है, उनकी अलग अलग ट्रेड पॉलिसी होती है, तो उसमें कोई लूप होल हो, कोई मिस्टेक हो, तो ये WTO उसको इंडक्ट करता है और उसमें वो लोग इंप्रूवमेंट करते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द वेरियस स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ कंज्यूमर. तो कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप लिए हैं वो हमको बताना है. तो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स द गवर्नमेंट अडॉप्टेड द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज. लेजिस्लेशन कंसर्निंग कंज्यूमर राइट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ कंज्यूमर. देखो ये जो मेन पॉइंट्स है हेडिंग्स इसको खास याद रखना है. लेजिस्लेशन मतलब लीगल, कंज्यूमर के जो राइट्स है उसको लीगल प्रोटेक्शन देना. फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर्स एंड द प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स द गवर्नमेंट इनेक्टेड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. बराबर. और ये डेट भी याद रखना December 24, 1986. सो क्वेश्चन में भी आस व्हेन वाज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लीमेंटेड. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज इंप्लीमेंटेड इन ऑन 24th December 1986. एट द डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड नेशनल लेवल दिस Comprehensive Act provides for the protection of the consumer rights, prevention of exploitation and an inexpensive, simple and speedy disposal mechanism of complaints of cheating and such other disputes. अब ये sentence को मैं आपको टुकड़े टुकड़े बता रहा हूँ. तो ये जो consumer act वाली जो संस्था है ये district level, state level, national level पे अलग अलग issues को resolve करती है. जैसे मान लीजिए कि अहमदाबाद है, अहमदाबाद में कोई issue हुआ है और तो कंज्यूमर भी अहमदाबाद का है, कंपनी भी अहमदाबाद की है, तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको सॉल्व किया जाएगा. हमारो कस्टमर है, कंज्यूमर है अहमदाबाद का, कंपनी है सूरत की, तो इट विल बी डिस्कस्ड एट स्टेट लेवल. अगर मान लो कंज्यूमर है गुजरात का और जो बिजनेसमैन है वो राजस्थान का या किसी और स्टेट का, तो नेशनल लेवल पर उसको सॉल्व किया जाएगा. तो इसमें अगर किसी कंज्यूमर के साथ चीटिंग होती है तो उसको ये सॉल्व करता है, वो भी इनएक्सपेंसिव, यानी जो कंज्यूमर एक्ट होता है उसको आप करो तो जो संस्था है वो उसका आपके तरफ से सारा जो प्रोसीजर होती है उसको फॉलो करती है. ये बहुत ही सस्ता मैकेनिज्म है. आपके साथ चीटिंग वगैरह हुआ हो तो आप इसकी मदद ले सकते हो. अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ द गवर्नमेंट हैज सेट अप अ 3-tier सिस्टम फॉर द रिड्रेसल of the complaints of the consumer. For the implementation of this law, consumer courts have been set up at 3 levels, national, state and district. तो ये चीज़ याद रखना, जैसा मैंने आपको बताया कि 3 levels हैं, national, state और district. National, state और district level के आपके पर आपके साथ जो भी समस्या हुई है उसको solve करने के लिए law courts बनाए गए हैं. मैंने जैसा आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का इश्यू होगा तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपकी कोर्ट पे आपका केस जाएगा. स्टेट लेवल का डिस्प्यूट होगा तो स्टेट लेवल की कोर्ट पे जाएगा. नेशनल लेवल का डिस्प्यूट होगा तो नेशनल कोर्ट पे जाएगा. तो 3 tiers बताएं जहाँ से हम लोग जहाँ हमको न्याय मिलता है, कंज्यूमर को न्याय पड़ता है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम्स. कंज्यूमर फोरम्स हैव बीन एस्टेब्लिश विद द व्यू ऑफ इंक्रीजिंग कंज्यूमर अवेयरनेस. ये फोरम्स बनाए गए हैं, ये बताते हैं कंज्यूमर में अवेयरनेस लाने का काम करते हैं. आपने बहुत सारी एडवर्टीजमेंट देखी होगी जिसमें बताया जाता है कि हॉल मार्क वाला गोल्ड खरीदिए, एक मार्क वाला प्रोडक्ट खरीदिए, तो इस तरह की अवेयरनेस ये लाता है. लेकिन जो कंज्यूमर है मूर्ख है, बराबर, वो फेयर एंड लवली खरीद करके गोरा बनना चाहता है पर गोरा बनेगा नहीं. सच फोरम्स प्रोवाइड एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड गाइडेंस. ये जो फोरम्स है एजुकेशन, ट्रेनिंग और गाइडेंस देते हैं. पब्लिश बाय मंथलीज लाइक ग्राहक सुरक्षा, इंसाइट एंड द कंज्यूमर. ये याद रखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बाय मंथली ये मैगजीन्स निकालती है, वो मैगजीन्स के नाम याद रखना, ये बार बार पूछते आते. ग्राहक सुरक्षा, इंसाइट और द कंज्यूमर, ये 3. दे प्रोवाइड कंपनसेशन टू द कंज्यूमर अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉस, मेंटल एंड फिजिकल सफरिंग एंड इम्पोज पेनल्टी ऑन द गिल्टी. आपको जहाँ एग्जाम्पल बता दूँ, सपोज मैंने एक कार ली है, अब मैंने कार ले ली है उसके बाद मेरी कार में फॉल्ट आ गया, मैं कंपनी के पास जाता हूँ और वो मेरी प्रॉब्लम नहीं सुनते हैं, उसके कारण मुझे मेंटल फिजिकल सफरिंग होता है कि भाई मैं कार है, मैं कार चला के जा रहा हूँ, बीच में ख़राब हो गई,
मैं मेरी मीटिंग पे सही समय पे नहीं पहुंच पाया, तो मेरे को फिजिकल भी सफरिंग हुई, मेंटल भी हुई। तो मैं जब कंज्यूमर कोर्ट में जाऊंगा केस करूंगा तो जो मेरा जो केस है उसके आधार पे मेरे को कंपनसेशन मिलेगा, कंपनी को मुझको पैसे देने पड़ेंगे, मेरी प्रॉब्लम तो कंपनी सॉल्व करेगी, और मीनवाइल मुझे जो तकलीफ हुई उसके बदले उनको मुझे पैसा देना पड़ेगा कंपनसेशन, यानी उस कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी जो भी गिल्टी होगा। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रोवाइडिंग एसेंशियल कमोडिटीज टू द पुअर एट रीजनेबल प्राइसेस एंड इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी, इट वॉज मेड पॉसिबल ड्यू टू द सेटिंग अप ऑफ द फेयर प्राइस शॉप। फेयर प्राइस शॉप को आप याद रखिए, रेशन की दुकान इसको कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स होता है जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है वो सब इन शॉप के ऊपर बहुत ही सस्ती प्राइस में, रीजनेबल प्राइस में मिलता है, जिससे कि जो हर तरह का वर्ग है, व्यक्ति है, वो सर्वाइव कर सके। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर मेंटेनिंग द इक्वल क्वालिटी ऑफ द गुड प्रोड्यूस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप एन इंस्टीट्यूट नेम्ड इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ISI इन 1947। क्वेश्चन में भी आस्क व्हेन वाज ISI एस्टेब्लिश्ड, तो इन 1947। इसका पूरा नाम भी याद रखना, इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। टुडे इट इज नोन एज द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर गिवन द मार्क ऑफ एग मार्क, जो एग मार्क है ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे आएगा, बराबर, एग्रीकल्चर की जितनी भी प्रोडक्ट्स उनके ऊपर आएगा एग मार्क। द नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर गिवन ISI मार्क, जैसे कोई आपने इंस्ट्रूमेंट खरीदा है, जैसे इलेक्ट्रिक गजेट खरीदा है, उसके ऊपर आएगा ISI का मार्क। तो वो अगर वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो एक मार्क, और नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है तो ISI का मार्क, ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैन्युफैक्चरर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस राइज, एक्सप्लेन। प्राइस राइज के लिए बहुत से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किस तरह से? तो प्राइस राइज इज वन ऑफ द मैनी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडिया। इंक्रीज इन मॉनिटरी सप्लाई, इसको याद रखो, मॉनिटरी यानी पैसा, मार्केट में जब पैसे का फ्लो ज्यादा आएगा तो वस्तु की प्राइस बढ़ेगी, बराबर, डिमांड और सप्लाई का नियम लागू पड़ता है। जैसे आपने, आपके सभी के पास मान लो पैसा आ गया, सबके पास कार खरीदने के पैसे हैं, तो क्या करेगा कि जैसे मान लो कि इसको तो कार की जो कंपनी उसकी प्राइस बढ़ाएगी, अब पैसे कम हो गए तो क्या होगा कि जो कंपनी अपनी प्राइस घटाएगी। तो जब मॉनिटरी सप्लाई मार्केट में बढ़ता है तो प्राइस राइज होता है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जो गुड्स है उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी। ये याद रखो, डिमांड सप्लाई का रूल पूरी दुनिया में चलता है, बराबर, जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतनी ज्यादा उसकी प्राइस बढ़ेगी, और डिमांड कम होगी तो प्राइस घटेगी। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी। इंक्रीज द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ेगी तो तुम्हारा जो प्रोडक्ट है उसकी भी प्राइस बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, स्टील का भाव बढ़ेगा तो कार की भी प्राइस बढ़ेगी, और दूसरे जो गैजेट्स उनकी भी प्राइस बढ़ेगी। इसके अलावा है स्मगलिंग, हॉर्डिंग, ब्लैक मनी, ब्लैक मार्केटिंग। अब इसमें हॉर्डिंग को समझो, एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं, जैसे अनियन है, प्याज। अब प्याज जो है, अभी थोड़े दो महीने पहले ही प्राइस जो अनियन था इसका प्राइस बढ़ा था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने उसमें क्या था, बहुत से लोगों ने होर्डिंग कर लिया था प्याज इकट्ठा किया। जैसे मान लो प्याज की कम है तो कुछ जो व्यापारी होंगे प्याज मार्केट में से उठा करके अपने आप भर लेंगे, वो 20 रुपये में खरीदेंगे और वेट करेंगे कि 50 रुपया होगा तो वो मार्केट में बेचेंगे। तो इन इन्होंने जो होर्डिंग किया इसके कारण प्राइस बढ़ेगी। तो जब ये समस्या आई तो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारा जो अनियन था मार्केट से खरीद करके दिल्ली की मार्केट में भेजा, तो प्राइस जो था वो कंट्रोल हुआ। तो ये होर्डिंग के कारण जो प्राइस बढ़ता है। स्मगलिंग मतलब क्या होता है कि टैक्स जब हम चुराते हैं, गवर्नमेंट का टैक्स चुराते हैं, टैक्स नहीं भरते हैं, तो दैट इज स्मगलिंग। ब्लैक मनी यानी जब आप, ब्लैक मनी यानी जो आप बिना आपकी मेहनत का, बिना अधिकार का जो पैसा लेते हो
दैट इज ब्लैक मनी. कोई किसी से ब्राइब रिश्वत ले रहा है तो इट इज ब्लैक मनी. कोई जो पैसा है उसकी कमाई पे टैक्स नहीं भर रहा है, इट इज अ ब्लैक मनी. ब्लैक मार्केटिंग, इंक्रीज द प्राइस ऑफ गुड्स. दस मैनी फैक्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइस राइज. यानी इन सब फैक्टर्स के कारण प्राइस बढ़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द वर्क डन इन द फील्ड ऑफ हेल्थ इंप्रूवमेंट्स. हेल्थ इंप्रूवमेंट के फील्ड में गवर्नमेंट ने क्या किया है. तो द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स SDI रिफ्लेक्ट्स डिफिशियंसीज इन द प्रोग्रेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. Nowadays, the thrust areas of human development are health, gender equality, and gender empowerment. SDI के तीन फील्ड है, health, gender equality यानी लड़का लड़की एक समान, gender empowerment. Health does not mean survival only, it concerns physical, mental, and economic and social well-being. यानी कोई आदमी खाली survive कर रहा है तो he is not healthy. वो फिजिकली भी स्ट्रांग होना चाहिए, मेंटली भी. अगर व्यक्ति फिजिकली स्ट्रांग है लेकिन मैं उसका दिमाग गड़बड़ा गया है, देन ही इज नॉट हेल्थी. इकोनॉमिक, उसके पास उसके सर्वाइवल के लायक पैसा होना चाहिए जिससे उसकी वो नीड्स पूरी कर सके, तो ही वो हेल्थी माना जाएगा. यानी इस तीनों चीज, तीनों फैक्टर्स जिसके पास होंगे, ओनली दैट पर्सन कैन बी हेल्थी. एंड इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ नॉट ओनली इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ बट इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. तो हर ह्यूमन एक रिसोर्स है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए. तो जब आप हेल्थ में इन्वेस्ट करते हो तो हम ह्यूमन रिसोर्सिस है उसकी भी ग्रोथ होती है, विच इन टर्न्स अफेक्ट्स वेरियस सेक्टर्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी. अब जब जैसे एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मान ली मेरी कोई कंपनी है, तो मेरी कंपनी में मैं जो मेरे एम्प्लॉय हैं अगर वो मेंटली इकोनॉमिकली फिजिकली स्टेबल है, व्यवस्थित है, हेल्दी है, तो मेरी कंपनी भी उनके साथ साथ ग्रो करेगी, उनका लाइफ भी ग्रो होगी, मेरी कंपनी की लाइफ भी ग्रो होगी. इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस हैज रजिस्टर कंसिडरेबल ग्रोथ इन हेल्थ सेक्टर. इंडिपेंडेंस के बाद हमने इसका इंपॉर्टेंस समझा और हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया इसमें. अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज आर कवर्ड अंडर हेल्थ सच एज पॉपुलेशन कंट्रोल, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, ड्रग कंट्रोल. प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन है यानी मिलावट. पहले तो पॉपुलेशन कंट्रोल किया गया जिससे कि जो सभी को सभी चीज़ें मिल सके. फूड एडल्ट्रेशन यानी जो खाने में जो मिलावट होती है उसको रोकना, ये नहीं हो पा रहा है, इसकी बहुत सारी समस्याएं हैं. डिसीज लाइक मीजल्स, चिकन पॉक्स, मलेरिया, डेंगी, हिपेटाइटिस, लेप्रसी, ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिसीज एट्सा हैव बीन कंट्रोल सब्सटेंशियली. पहले जैसे मलेरिया से बहुत सारी डेथ हो जाती थी, अब ऐसा नहीं होता है. चिकन पॉक्स देखने को नहीं मिलता है, उसके कारण भी बहुत सी डेथ होती थी. डेंगू था, डेंगू पे हमने कंट्रोल कर लिया है. लेप्रसी किसको बोलते हैं हिंदी में, कोढ़ की बीमारी होती थी, अब इस पर कंट्रोल किया. ट्यूबरक्लोसिस यानी TB, डायबिटीज, कैंसर, ये जो बीमारियां थी इन पे हमने काफ़ी कंट्रोल कर लिया है. एज ए रिजल्ट मैन इज लीडिंग लॉन्ग हेल्दी लाइफ. तो ये जो हमने जो मेजर बीमारियां इन पे कंट्रोल किया तो आदमी की जो लाइफ है वो हेल्दी बन गई है. डिक्लाइन इन बर्थ रेट, मोरालिटी रेट, चाइल्ड मोर्टालिटी रेट, सॉरी चाइल्ड मोर्टालिटी रेट हैज बीन रिकॉर्डेड. लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट हैज इंक्रीज. अब ये चीज को समझो, बर्थ रेट कम हुआ है क्योंकि पॉपुलेशन कम हो गई है, तो उसके कारण चाइल्ड मोर्टालिटी भी कम हुई. चाइल्ड मोर्टालिटी यानी बाल मृत्यु दर, यानी कि बच्चा पैदा होने के 0 से लेकर 1 साल में कितने बच्चे मरते हैं वो चाइल्ड मोर्टालिटी होता है. पहले क्या होता था कि बहुत सी बीमारियों के कारण बच्चे ज्यादा नहीं जी पाते थे, लेकिन हमने बहुत सी बीमारियों पर कंट्रोल किया है तो चाइल्ड मोर्टालिटी रेट जो है कम हुआ है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी बढ़ी है. इंडिपेंडेंस, व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंस, उस समय हमारी एवरेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी इट वाज नियर अबाउट 38 ईयर्स. आज हमारी नियर अबाउट 68 है, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है हमारी वो बढ़ी है.
एट मेनी प्लेसिस इन इंडिया पॉपुलेशन इज अंडर ग्रोइंग ए डिक्रीज विच इज गुड फॉर गुड हेल्थ प्रोसेस. बहुत सी जगह पे जो पॉपुलेशन का जो पहले इंक्रीज था वो कम हो गया है, जिससे कारण क्या है कि हम ये अच्छा साइन है देश के ग्रोथ के लिए. वाटर बोर्न डिसीजेस एंड माल न्यूट्रिशन आर इंक्रीजिंग द हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ आवर कंट्री. वाटर बोर्न डिसीज पानी के कारण होने वाली बीमारियां, माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण, बराबर, यानी जो मिनरल्स वगैरह सफिशियंट मात्रा में ना मिले, दैट इज माल न्यूट्रिशन, इसके कारण बहुत सारी समस्या आ रही है. उसका कारण है अभी इस ये दोनों चीज़ों का कारण है जंक फूड. अभी की जनरेशन है जो जंक फूड खा रही है, उसके कारण ये सब चीज़ें मिल रही है. वो स्वाद के पीछे दीवाने हैं, उनको मिनरल्स वगैरह से कोई लेना देना नहीं, इसके कारण ये सब प्रॉब्लम्स आ रही है. एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड पॉइजनस गैसेस आर एन अदर चैलेंज इन अवर डेली लाइफ. एनवायरमेंट को हमने सत्यानाश कर दिया है, जहरीली गैसें वातावरण में बाहर निकल रही हैं, ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है. इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, ये शब्द को याद रखिए, अर्बन एरिया मतलब सिटी, तो लोग गांव से माइग्रेट करके सिटी में आते हैं फॉर बेटर लाइफ, फॉर एजुकेशन, फॉर हेल्थ इश्यूज, तो दैट इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन. जब अर्बन एरिया में पॉपुलेशन बढ़ती है, दैट इज अर्बनाइजेशन. अब जब वो अर्बन एरिया में आते हैं तो उनके लिए इतना सफिशियंट जगह नहीं होती है. जैसे मुंबई में आप जाओगे तो यू कैन सी कि लोग भेड़ बकरियों की तरह रहते हैं बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन. क्राउडेड हैबिटेट्स, हैबिटेट्स मतलब लिविंग प्लेस, लोग भीड़ वाली जगहों में, भीड़ वाली इन द सेंस बहुत ही डेंस एरिया में रहती है, डेंसिटी रहती है. उसका कारण क्या है कि एज आई हैव टोल्ड यू इतने हैबिटेट्स हमारे पास नहीं है और लोग बहुत बड़ी संख्या में माइग्रेट करके अर्बन एरियाज में आते हैं. तो ये दोनों प्रॉब्लम के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई है. जितनी बड़ी संख्या में लोग सिटीज़ की ओर माइग्रेट करके आते हैं, उतनी बड़ी संख्या में हमारे पास फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सेक्शन सी पूरा होता है और दूसरा सेक्शन के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव अ वेरी नाइस डे.